वेलकम, आइए ए बी सेल की इस वीडियो में आज एक मशीन देखते हैं। ये मशीन हाइड्रोलिक मशीन है, शेयरिंग, पंचिंग और बैंडिंग सभी काम करती है। मल्टीफंक्शनल मशीन है, कटिंग का काम करती है, एंगल की कटिंग, फ्लैट की कटिंग, राउंड बार की कटिंग, सी चैनल की कटिंग, फ्लैट को हाफ राउंड काटने की कटिंग, ये सब कटिंग के काम करती है। और साथ के साथ आप इस पर पंचिंग का काम कर सकते हो, किसी फ्लैट में पंच करना हो, होल करना हो, या किसी चीज़ को बेंड करना हो या नोचिंग करना हो, ये सारे काम मशीन करती है। और डबल एक्शन है, किसी भी मशीन में अगर एक से ज़्यादा बहुत सारे काम किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस मशीन में हम कटिंग में उतनी स्पीड नहीं ले पाते जितनी के स्पेशल कटिंग वाली मशीनों में होती है, क्योंकि ये डबल एक्शन मशीन है, साथ में पंच करती है, पंच और होल पंच के करने के लिए इसको डबल एक्शन बनाया जाता है, जिससे इसकी स्पीड कम हो जाती है। ज़्यादा कम नहीं होती, लेकिन कम हो जाती है, लेकिन पावर पूरी रहती है। ये पावरफुल मशीन है, सभी तरह की कटिंग करने में सक्षम है। और यहाँ आप देख रहे हो एक बार की कटिंग हो रही है, राउंड बार है। इस मशीन पर आप 40 mm, 45 mm का बार की कटिंग कर सकते हो। यहाँ इस मशीन में एक कंट्रोलर लगा है, जिससे आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, पावर को कम ज़्यादा किया जा सकता है। और देखिए, यहाँ से आपको नज़र आएगा बार कटिंग है, ये बड़े ब्लेड में छोटा सरिया काटा जा रहा है शायद, तो ये बार कटिंग हो रही है। इसके बाद एक एक करके आपको सभी कटिंग दिखाई जाएगी। ये देखिए, ये फ्लैट कटिंग हो गई। हैवी मशीन है, हैवी काम करने के लिए है, मोटा मोटा लोहा काट सकती है। तो यहाँ आप देखिए, ये शेयरिंग का काम हो रहा है, ये फ्लैट बार है शायद 20-25 mm, तो ये शायद का मतलब आप अपने हिसाब से मशीन हमसे ऑर्डर पर बनवा सकते हो। आप जितनी कैपेसिटी वाली जो आपकी जॉब होगी, जो आप बनाते होंगे, उस हिसाब से वैसा लोहा काटने वाली ये मशीन बन जाती है। सेम मॉडल नहीं मिलते, जो आप सेम ऐसा बोलोगे तो ऐसा मिल जाएगी, नहीं तो आप अपने हिसाब से ये बनवा सकते हो। ये 75/6 की एंगल है, जिसको कटिंग किया जा रहा है अभी। एल एंगल में सभी तरह की एंगल एक ही ब्लेड में कटिंग हो जाती है, इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं होता। यहाँ से 110 की एंगल से लेकर आप छोटी 1 इंची तक सभी एंगलों की कटिंग कर सकते हो। ये देखिए एंगल की कटिंग, तो ये एंगल की कटिंग हो गई। और यहाँ जो नीचे जो एंगल की कटिंग हुई है, उसके पीसेस गिरे हुए थे, ये देखिए जो हाफ राउंड की बात कर रहे थे, उसकी कटिंग हो रही है। जो किसी भी फ्लैट पत्ती को आप आगे से उसका फेस गोल करना चाहते हो, तो आप इस पर कटिंग कर सकते हो। ये भी 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 25 की पत्ती, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 75, 75 mm तक आप ऐसे फ्लैट का माथा गोल कर सकते हो। गोल मतलब हाफ राउंड आगे से शेप में ऐसे बनाई जा सकती है, एक ही प्रेस में, एक ही कटिंग पर। और अभी आप वो देख रहे थे मोटी पत्ती, या ये भी ऐसी पत्तियों की भी कटिंग आप कर सकते हो। तो ये फ्लैट कटिंग हो गई, इस पर आप 1 इंची से लेकर
300 mm तक लंबी फ्लैट की कटिंग कर सकते हो, चाहे वो 3-4 mm हो, चाहे वो 15 mm हो, 20 mm हो, ये सभी तरह की फ्लैट की कटिंग कर देती है मशीन। इस पर आप छोटी से बड़ी लेकर सभी तरह की पत्ती फ्लैट की कटिंग आप कर सकते हो। ये नीचे बैंड की डाई है जो ये मशीन एग्रीकल्चर के सामान बनाने वाले मशीन ले रहे हैं, तो वहाँ जो उनकी ट्रैक्टर की फिटिंग रहती है कल्टीवेटर के ऊपर वाली फ्लैट, जो शायद 65 या 75-20 की पत्तियाँ होती हैं, उनको बैंड करने के लिए ये डाई लगाई गई है। तो वो दिखाने के लिए आपको ये दिखाया गया कि ये आप इस पर 20 mm या 25 mm मोटी फ्लैट बार को बैंड कर सकते हैं और ये बड़े आराम से उसको सभी डिग्री पर बैंड कर देगी। आप देख सकते हैं कि कितनी डिग्री पर आपने इसको बैंड करना है। इस मशीन का कंट्रोल हाथ में है, ये हाथ से अप और डाउन जाती है। ये वीडियो में आपको कुछ स्लो नज़र आ रही होगी, इतनी स्लो नहीं होती, इसकी स्पीड कम ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन ये रहता है कि अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो पावर कम मिलती है, और अगर आप पावर ज़्यादा लेने चाहते हो तो स्पीड कम होती है। ये अपने हाथ में होता है, कंट्रोलर लगा होता है। अगर आपने पावर ज़्यादा लेनी है तो स्पीड नहीं मिलेगी, अगर स्पीड लेनी है तो पावर नहीं मिलेगी। अगर हमने ये दोनों चीज़ें लेनी हो तो फिर पीछे मशीन मोटर की पावर ज़्यादा मांगती है, फिर बहुत बड़ी ज़रूरत से ज़्यादा मोटी हैवी मोटर लगानी पड़ती है। इसलिए आप इस पर अभी इस पर एक 3 HP की मोटर लगी है जो सभी काम कर देती है, लेकिन हैवी काम पर थोड़ी स्लो हो जाती है। अभी आप पंचिंग की बात कर रहे थे तो ये आप पंचिंग वाली भी देख लीजिए। ये देखिए, आप इसमें एल एंगल को पंच कर सकते हैं, या सी चैनल में पंच कर सकते हैं, या किसी फ्लैट बार में पंच कर सकते हैं। इन्होंने कल्टीवेटर की ऊपर वाली एंगल लगाने के लिए ये सुराख वाली डाई ली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सुराख होते हैं, तो इस मशीन पर आप ये सभी पंच होल कर सकते हो। ये देखिए, ऐसे हल्के काम के पर ये तेज़ स्पीड पर चलती है, और अगर इस यहीं आप 25 mm का होल कर रहे हो 25 mm मोटी प्लेट में, तो ये स्लो हो जाएगी। और अगर ये एल एंगल या सी चैनल या 5-10 mm में आप पंच कर रहे हो तो ऐसे ये फास्ट चलेगी और जल्दी जल्दी काम कर देगी। और लगभग आपको सब कुछ बता दिया है, फिर भी कुछ आपको इस मशीन के बारे में जानकारी चाहिए हो तो 2 नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप इनमें से किसी पर भी हमें कॉल कर सकते हो और किसी भी तरह की मशीन आप हमसे ऑर्डर पर बनवा सकते हो।